वकास भाई कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, आपको कितने अरसे से? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, अब बढ़ते हैं हम अपने असल मकसद की तरफ। आसिम साहब ने आपको बताया है साथ दो का, तो साथ तो देना है इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी मैंने आज गाड़ी में वीडियो नहीं बनाई, आज थोड़ा जल्दी में था और सीधा ऑफिस आ गया, काम पे आ गया। अच्छा, आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो सूरत हाल है ना, मुझे नहीं पता कितनी अवेयरनेस है आप सबको इस बात की, लेकिन होनी चाहिए। आज का टॉपिक है स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट के ऊपर कि माशाल्लाह जो इतने स्टूडेंट आ रहे हैं और वो आ ही जा रहे हैं। मैं क्या, आप कोई भी चैनल उठा के देख लें, जो प्राइवेट जो है ना, जो टॉक होती है और इस तरह की चीज़ें, सब में एक ही बात आ रही है। और बार बार बकायदा एक मैं रेडियो देख रहा था, सुन रहा था कि बकायदा उस पर तो इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स आ रहे हैं कि क्या हालात हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूरी बननी थी ये, और जो बन गई और वो पेशे खिदमत है। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक जी। वालेकुम सलाम भाई, का नाम क्या है यार? मेरा नाम अवैस। उवैस जी, माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है? मैं मुल्तान, पाकिस्तान से। पाकिस्तान, मुल्तान। तो यहाँ कितने अरसे से भाई रह रहे हैं? मैं अभी, मुझे हफ्ता ही हुआ है इधर ना आया। एक हफ्ता हुआ है अभी? और कौन से, किस स्टेटस पे आए आप? मैं स्टूडेंट वीजे पर। स्टूडेंट पे आए? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो रहा है, क्या फील किया मुल्तान से यहाँ पर? बस जैसे सुना था वैसे नहीं है यूके। अच्छा, तो मतलब ठीक है। आजकल वैसे भी थोड़ा हालात थोड़े डाउन है यूके के ना। हाँ हाँ, ये तो है। तो वहाँ से जब आए थे तो थोड़ा सा स्टडी किया था कि यहाँ के इकोनॉमिक्स कैसी है, इकोनॉमिकल हालात क्या हैं, जॉब सिचुएशन? सुना था आजकल के हालात ठीक नहीं, लेकिन इतना नहीं सुना था कि मतलब थोड़ा ज़्यादा डाउन है शायद अब फरवरी जनवरी के बाद सेट हो जाए हालात पे शायद। तो कोई ख़ास पैगाम भाइयों के नाम पीछे जो आना चाह रहे हैं? मैं भी पाकिस्तान से रिसेंटली मैं भी आया हूँ, तो मैं देखा है कि लोग अपनी जायदादें बेचने को तैयार हैं और अपने पैसे लगाने को, अपनी वालदैन की कुल पैसे लगाने को तैयार हैं कि जी वो यहाँ आ जाएं, उधार लेने को तैयार हैं। यार उधार मैंने देखा है, तो क्या मशवरा है? मेरा मशवरा यही है कि अगर मतलब आपने आना है तो बहुत सोच समझ के ही आएँ इधर, क्योंकि हालात इधर भी मतलब अगर किसी का उधर पाकिस्तान में अच्छा काम है तो वो पहले उसे प्रेफरेंस दे और बाकी अल्लाह ताला बस बेहतर करे। तो वैसे नहीं है हालात जैसे आप समझ रहे हैं? वैसे जैसे हम एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं वैसे नहीं है। थैंक यू ओएस, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और बहुत आसानियाँ पैदा करे और आपकी मंजिलें आसान हो और कामयाबी हो। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है। भाई का तारुफ क्या है, नाम क्या है भाई का? जी मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है। मुकर्रम, मोहम्मद मुकर्रम, माशाल्लाह। क्या हाल है, ठीक हो? सब तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि जैसे हम इंफॉर्मेशन अबाउट के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी उसकी ले रहे हैं, ताकि किसी आपके एक्सपीरियंस से किसी को फायदा हो जाए बैक होम, तो उसके लिए उतना ही अच्छा है ना यार। बेशक ऐसा ही। तो इस हवाले से एक छोटी सी बात है, कुछ बातें जो मैं आपसे पूछूंगा आप बता दें, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है। तो इस हवाले से के भाई का नाम है मोहम्मद मुकर्रम, तो आपका स्टेटस यहाँ पर? जी मेरा स्टेटस यहाँ पर स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट है माशाल्लाह। और कितने अरसे से? जी भाई यहाँ पर 2021 जून में आया। ओके फाइन। और आपका ताल्लुक बैक जी, मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। इंडिया हैदराबाद, वेरी गुड जी। तो और अच्छा हो गया कि हमें इंडिया का भी व्यू मिल जाएगा। तो आपको फिर कैसा फील आया कि जब आप फर्स्ट प्लेन लैंड किया, दोस्त आए थे लेने? हाँ मेरे दोस्त, फैमिली तो नहीं होगी यहाँ पर? है जी, नहीं भाई है। तो वो लेने आए होंगे बेसिकली। तो देन फिर उसके बाद कैसा फील आया?
हाँ माशाल्लाह शुरू में बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह कि मैं इंडिया से यहाँ पर आ गया हूँ, लंदन इंग्लैंड आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और यहाँ पर की स्टडीज वगैरह भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस मेरी ये राय है कि जो बंदे आने वाले अभी इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए जॉब वगैरह बहुत थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो वो हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आए स्टूडेंट्स, आए जॉब्स वगैरह देखें, मगर जो लोग लोन लेकर आ रहे हैं वो लोग लोन ना ले बस, क्योंकि यहाँ पर आकर जॉब्स, बंदा आने के बाद जॉब सर्च करके रूम एकोमोडेशन में ही एक दो महीने इसमें चले जाते हैं, फिर उसके बाद बंदा एग्जाम्स में मसरूफ हो जाता है और उसके बाद एग्जाम की फीस आ जाती है, तो बंदा इस तरह से मुब्तला हो जाता है। तो मेरा बस यही सजेशन है, मतलब वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है कि वो तो मतलब खर्च हो जाता है जी, खर्च उसकी लाइफ जवानी जो है वो इसी काम में लग जाती है और अपने गोल अचीव करते करते करने के लिए, और बेसिकली फीस में और अकोमोडेशन में और फीस में ही उसको जिंदगी गुजर जाती है। खैर पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मोहम्मद मुकर्रम कुछ ऐसा ही है, मेरे भी, मैं भी काफी अरसे से यहाँ रहता हूँ तो मैं भी देखता रहता हूँ। अचीवमेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे बहुत ज्यादा कुर्बानियां, बहुत कुर्बानियां। आमतौर पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है मेंटली, फिजिकली होंगे तैयार, मेंटली, क्योंकि वहां से वो somehow अम्मी के घर से आ रहे हैं, अब्बू के घर से आ रहे हैं और ये प्रदेश है, तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। और महंगाई बहुत हो चुकी है, अभी यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत एक्सपेंसेस हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी ज्यादा इश्यूज हैं जी। तो व्हाट इज द लास्ट मैसेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं? बस यही कहूंगा कि बस आए, मोस्ट वेलकम, और स्टडीज पे अपना अच्छा कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पर जो है सो कुछ कंपनीज वगैरह में जॉब हायर करें, टीयर टू में कन्वर्ट करा ले बस उसके आगे अल्लाह ताला अपनी जायदादें बेचकर आए वहाँ पर। वही तो बता रहा हूँ कि कोई अपनी जायदाद बेचकर आ रहा है, कोई अपने पेरेंट्स का जो है सो गोल्ड लोन रख कर आ रहे हैं, तो वो टाइम पर गोल्ड छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लोन लेकर आने वाले मेरी रिक्वेस्ट है कि ना आए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए, और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो सलाम, हेलो, हाउ आर यू? ओके, गुड, आई एम गुड। यू फ्रॉम? रोमानिया। गुड, और आप भाई? पाकिस्तान। पाकिस्तान, माशाल्लाह, कहाँ से? लाहौर से। लाहौर, जबरदस्त, मैं भी लाहौर था, बड़ा मजा आया, बड़ी खूबसूरत, बहुत ही मजा आया, खूब एंजॉय करके आए, फुल एंजॉय जी, फुल एंजॉय। भाई का नाम? मोहम्मद वकास। वकास भाई, कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, हम एक छोटा सा बात पूछ रहे हैं सबसे, दो चार हमने पूछी है बातें के स्टूडेंट के बारे में, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल जी, माशाल्लाह। वो कौन सा स्टेटस है यहाँ पर? मैं स्टूडेंट स्टेटस से आया। स्टूडेंट, अच्छा जी, कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप क्या राय देंगे? क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, रिसेंटली मैंने नोट किया है कि बहुत स्टूडेंट आ रहा है, वो अपनी जायदादें बेच के, अपने लोन ले के, गिरवी रख के चीज़ें, वो क्या कह रहे हैं कि जी हमने बस इंग्लैंड जाना है। उसके हवाले से आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करेंगे, क्या मैसेज देंगे? मुझे ये लगता है अभी बहुत मुश्किलात हो रही हैं जॉब के लिए और रूम के लिए, बहुत मुश्किल हो गई है, इधर अभी जॉब नहीं मिल रही, जब से ये ब्रेक्सिट हुआ है ना, बहुत प्रॉब्लम इंग्लैंड में हो गई है। महंगाई तो आप ना ही पूछे ना, जितनी हो गई है, 1 पाउंड वाली 2 पाउंड की हो गई है, 2 पाउंड वाली 4 पाउंड की हो गई है, इतनी। तो जो स्टूडेंट आते हैं, फीसें देते हैं, उनके लिए क्या, आप तो रहते ना, बहुत मुश्किल है, हम जैसे मुश्किल में हैं, जो उनसे नए आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो जो लोन लेके आ रहे हैं और वो जो करके आ रहे हैं, उनका आप क्या मशवरा दोगे उनको? मशवरा ये, इतना पैसा लगा के इधर आना है तो उधर ही कुछ कर लें तो अच्छा है। ये तो बात है, तो आपके लिए के ऐसे ना आए, आए तो पूरे प्रॉपर तरीके से आए, हालात जॉब के हालात बिल्कुल, वो तो बहुत मुश्किल हुए हैं, अभी जॉब तो मिल ही नहीं रही है, आपके सामने इतने लोग आ रहे हैं जॉब के लिए, हालात टाइट है, बिल्कुल बहुत टाइट। तो मशवरा है, नो नो नो, बहुत बहुत शुक्रिया अवकाश। एलेक्स, हाउ आर यू? आई एम ओके, गुड, यू फ्रॉम रोमानिया? यस, वेरी नाइस, हाउ यू फील हियर? गुड, यू फील लंदन इज गुड? यस, जॉब ओके, मनी, एवरीथिंग इज ओके, गुड, गुड, वेरी गुड। So, you want to go back to Romania or you want to stay in London? The moment I stay. Stay here. Yeah. But you like Romania?
No, I like too much England. England now, yeah, very because good. England is the best. Every part is the best. That's good. England is the best for you guys. Okay, that's fine for us as well. Okay, thank you, Alex. Thank you. Enjoy work. Thank you. Bye-bye. राइट कैसे भजन बहुत अच्छे जी आप बताइए ठीक ठाक भाई भाई का नाम क्या है मैं निखिल अच्छा मैं बता दूं ये स्टूडेंट वाला है और मेरी इनसे ऑफ कैमरा बात हुई है ये भी चाहते हैं कुछ बात करना जी आपका नाम मैं निखिल हरियाणा इंडिया से और एज यहां पर स्टेटस मैं स्टूडेंट हूं या मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूं तो कैसा जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है कब आए थे मैं नवंबर में आया था मेरा 1.5 साल का कोर्स है हाउ यू फील बस ठीक है ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि घर की बहुत याद आती है ठीक हाँ जी तो कैसा आप लाइक वहाँ से जब आए थे जो प्लान्स लेकर आए थे वो होने ना जैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं है अच्छा क्योंकि मैंने सोचा था कि जाके अच्छा काम मिलेगा लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रगल है अगर किसी का नॉन वगैरह यहाँ कमरे भी नहीं मिल रहे ऐसे नवम्बर तक ऐसे स्टूडेंट आ चुके हैं यहाँ लोगों को कमरे तक भी नहीं मिल रहे तो वो कहाँ रह रहे ये तो भगवान जाने कहाँ रह रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं यहाँ पे ओहो हो तो आपका मैसेज क्या है अगर कोई बाहर जो पीछे से आ रहे हैं अभी इंडिया पाकिस्तान से आना चाहे तो उनको पहले अकोमोडेशन फिक्स करके आनी चाहिए और जैसे अगर उनको जॉब वगैरह का भी पहले से पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पे है कि नहीं है ये सारा कुछ अपना डिसाइड करके आना चाहिए मतलब प्रिपेयर होकर आए हर चीज के लिए जी तो सफर लंबा है बहुत ज्यादा स्ट्रगल है चले ऑल द बेस्ट यार अपना अपना आप वो रहे मोहब्बत में और सही है ऑल द बेस्ट मेरे भाई ठीक है हाँ जी और स्ट्रगल करते रहे यही यहाँ पर है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है कोई नहीं मामला ठीक होता है ठीक है भाई थैंक यू भाई थैंक यू वेरी मच धन्यवाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे है ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आज शॉपिंग जी मैं शॉपिंग पे आया था जरा थोड़ी सी अच्छा भाई मैं वैसे तो मैं इनको जानता हूँ लेकिन मैं आपसे इनका तारुफ कराता हूँ इन्हीं की जबानी आपका नाम भाईजान मेरा नाम है रिजवान रिजवान कैसे रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुझे तो स्टोरी का पता है थोड़ी बहुत और कुछ आपसे भी जानते हैं हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के बारे में जो आजकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं सही, तो उनकी जिंदगी के बारे में उनकी मेहनत के बारे में तो उस हवाले से यू आर द बेस्ट पर्सन क्या आप माशाल्लाह मुझे पता है कि आप कैसे आए थे तो आप अपनी ज़बानी बताएं कि कैसे इंग्लैंड आना हुआ कब आए थे किस वीज़े पे आए थे मैं 2010 में जनवरी में पाकिस्तान से मैंने वीज़ा अप्लाई किया और स्टूडेंट वीज़े पे मैं आया था अच्छा तो एज मेरे सारे दोस्त स्टूडेंट वीज़े पे यूके आ गए तो मेरा भी दिल वहाँ पे बहुत करता था कि मैं भी जाऊँ ना यहाँ पे ठीक तो यहाँ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारूँ क्योंकि मेरे वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं थे तो मैं भी अपने दोस्तों की तरफ देख के खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया तो मैं आ गया वहाँ से यहाँ तो जैसे ही आया था कुछ थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास तो एक दो महीने मेरे बहुत अच्छे गुजरे लेकिन जैसे मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मेरी जो ज़िंदगी जो है ना वो इंतहाई मुश्किल हो गई यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया और खाना पीना मुश्किल हो गया उसके बाद मेहनत का सिलसिला शुरू हो गया इंतहाई मेहनत और बड़े ही जो हो जोखों के साथ करके तो एक जॉब मिली तो वो मैं जॉब करता था फिर रात को सब्जी की एक मार्केट है यहाँ लेटन स्टोन लेटन में रात को मैं वहाँ पे मजदूर वो जो बाहर भी चले गए थे कब फ्रांस चले गए वो ऐसा हुआ कि जो मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था 3 साल का तो मुझे दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे तो कुछ बनने वाला है नहीं तो जो है PSW भी बंद हो गया है और शादी भी नहीं कर सकते यहाँ पे शादी करते हो तो पकड़ के ले जाते हैं ये होम ऑफिस वाले तो मैं डर गया और मैंने जो है ना यहाँ से अपना शेंजियन एप्लीकेशन डाली तो मुझे 6 महीने का ना इन्होंने यूरोप के लिए वीज़ा दे दिया तो मैं दोस्तों के साथ चला तो पहला जो मैंने कंट्री देखा फ्रांस ये है कि जैसे मैं जो यूके में आया था यूके में भी मुझसे कहते थे या नहीं नंबर दो और शनाख्ती कार्ड नंबर से कहता जो भी बनाना है बनवाओ यहाँ के आईडी तो सेम कहानी वहीं थी आपने जिस कंट्री में रहना है चाहे फ्रांस में रहना है चाहे स्पेन में रहना है चाहे इटली में रहना है
या चाहे यूरोप के किसी भी आपको कंट्री में रहना, तो हर कंट्री में आपको वहाँ का वहाँ की आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वहाँ का आईडी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। और जॉब भी यूरोप की, यूरोप सिर्फ आप देखने के लिए अच्छा है, जाएं सैर करें घूमें फिरें, लेकिन जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लड़कों की हालत थी, जो तो अच्छे थे वो तो अच्छे थे, वो तो आपको देख के भी राजी नहीं है आप कौन है उनके लिए, लेकिन जो स्ट्रगलर है हमारी तरह जो स्ट्रगल करते हैं मेहनत मजदूरियां करते हैं। तो कितना टाइम रहे वहाँ? मैंने 6 महीने पूरे गुजारे। 6 महीने के बाद यहाँ पर आ गए, दोबारा में वापस फिर से शुरू, फिर दोबारा वही और मुश्किल। अब क्या हालात हैं? पैसे जो मैं खर्च करके वहाँ आ गया, अब क्या हालात हैं? अब तो तकरीबन 14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल का निचोड़ गया, 14 साल का जो हमारे दिन में है कि मेहनत जो मुश्किल के बाद ही आसानी, तो इंतहाई मुश्किल काटने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है अपने वो, क्या मैं मियां मिठू बनूं? हाँ, मिठू तो बन चुके हो, लेकिन ये है कि जो मुश्किल मैंने काटी है अल्लाह ताला ने आज मुझे उस मुश्किल का जो है ना, तकरीबन 12-14 साल मुश्किल है, तकरीबन 6-7 साल तो आप सोचे भी ना किसी चीज को, या आपको आप आए हैं यहाँ पे, आते को गोरी कहेगी आ जाओ मेरे साथ शादी कर लो, ऐसे नहीं है। अच्छा, मशवरा क्या है जो आ रहे हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश? पहले तो आप लोग जो छोटे हो अपने माँ बाप का कहना मानो, अगर वो नहीं चाहते आप लोग बाहर जाओ तो आप पाकिस्तान में ही कुछ करो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा हमारी तरह ख्वाहिश है तो अपनी ख्वाहिश पूरी करो, आओ यहाँ पे, और जिस तरह हमने जो तकलीफें काटी हैं आपको भी काटनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का भी और अच्छी अच्छी बातों का भी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, और बहुत अच्छी तुमने बातें की। थैंक यू यार, सी यू सून। इंशाल्लाह, आमीन। राइट, अभी मैं एक जगह शॉपिंग करने आया हूँ, तो मुझे एक बहुत प्यारे भाई से मुलाकात हुई, तो हमारी बातें हुई, तो मेरा कहा सोचा कि आपसे भी मुलाकात करवाता हूँ। तो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हो? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई का प्यारा सा नाम? जी मेरा नाम सैयद मजहरुद्दीन है। माशाल्लाह जी, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे स्टेटस क्या आपका भाई? मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ डेटा साइंस पर। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर से कर रहा हूँ। कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, अभी मैं प्लेसमेंट पर हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ डेटा साइंस पर। तो यहाँ कितने अरसे? 1 साल से रह रहे हैं आप? जी हाँ, 1 साल से। 1 साल हो गया ना यहाँ रहते हुए, तो क्या फील कर रहे हैं, क्या सपने थे, क्या बातें थी कि इंडिया से, कैसे आपको फीडबैक मिला, कोई आपने कोई यहाँ आने से पहले लाइक कोई यहाँ की जानकारी की इन्फॉर्मेशन ली? जी हाँ, मैं आने लाइक मैं बात करना चाह रहा हूँ आपकी अकोमोडेशन और आपकी प्रॉब्लम्स। आप जी, मेरा फ्रेंड यहाँ पर रहता था, मैं उसके ज़रिए मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मेरा अकोमोडेशन भी उसने ही प्रोवाइड किया है मुझे। ठीक ठीक ठीक। एकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है आजकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आकर, बहुत ही स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं तो एकोमोडेशन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अगर आप आने से पहले अगर एकोमोडेशन किसी के इंफॉर्मेशन के ज़रिए अगर आपको हो सकता है तो वो कर आए तो बहुत बेहतर होता है। तो जो आप लाइक सोच कर आए थे कि जाते ही जॉब मिल जाएगी और ये सब हो जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, मैंने सोच कर आया था, मतलब ख्वाब तो बहुत होते हैं कि आते हैं जॉब लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सोचते हैं, पर यहाँ पर आने के बाद जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, जॉब के लिए ऑलमोस्ट आपको जॉब लगने में वन एंड हाफ मंथ तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है, फिर इसके अंदर आपका रेंट भी आ जाता है, तो वह बहुत मुश्किल होते हैं, और आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। हाँ जी, मेंटली आपको रेडी होकर आना पड़ेगा, क्यों बोले तो हम अपने मुल्क में बहुत ही, हमारे माँ बाप होते हैं, सहूलतें बहुत होती है, हमें वहाँ पता नहीं चलता, यहाँ पर आने के बाद हमें जब सिंगल रहते हैं तो पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं, हमको पका कर खाना होता है, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। दोस्त, फाइनल क्वेश्चन, कोई ऐसा आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश जो हमारे लोग आ रहे हैं वहाँ से? हाँ जी, मैं सब में पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप आने से पहले मतलब यूनिवर्सिटी आप सही चूज करें, कंसल्टेंट बोलेगा यहाँ पर जाओ यहाँ पर जाओ, उससे पहले बेहतर ये होगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें, यूनिवर्सिटी कैसी है क्या है,
वो मालूम कर ले, फिर उसके फीस भी देखे आप, कंसल्टेंट बोल देता है, फिर आपको यहाँ पर आकर फी भी पे करनी होती है, तो उसका भी देखना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी अच्छे से रिसर्च करें, आपको जिसमें एक्सपर्टीज है वो कोर्स सेलेक्ट कर कर आए। फिर यहाँ पर आने के बाद एकोमोडेशन का भी आप अगर आपके फ्रेंड से हो तो आप कर कर आए तो बहुत बेहतर होगा। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और ये सब चीज़ों के बारे में, वो भी ज़रा अच्छा हो जाकर बता दें। हाँ जी, आप अगर इंटरनेशनल लाइसेंस बना कर आए तो यहाँ के लिए बहुत बेहतर होगा। और PCC वगैरह भी होता है, जैसा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी कार्ड बनाने के लिए, सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए, ये सब प्रिपेयर होकर आए। हाँ जी, और आप एकोमोडेशन के भी अगर पैसे लेकर आए तो बेहतर होगा। क्यों बोले तो यहाँ पर आते ही, मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा हार्ड वर्क करें तो इंशाल्लाह आसानी तो हो जाएगी, पर हार्ड वर्क जरूरी है। मतलब हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे। जी जी, हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रियलिटी को बताना चाह रहे हैं, रियलिटी की, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए, मेंटली प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पर दूसरी कंट्री है, फिर वेदर का भी कंडीशन होता है, यहाँ पर बहुत सारी बात है, सर्दी वगैरह भी होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और आप तुम्हारे टाइम का, और अल्लाह करे आपको हर मंजिल आसान हो और आपकी जो ख्वाब है उसमें आसानियां पैदा हो और जल्द से जल्द सक्सेस हो, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक जी। जैसे आपने आज सारी वीडियो देखी और सारे पैगाम बच्चों के सुने, स्टूडेंट्स के सुने कि वो किस प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं और वो कितनी खुशी में आ रहे हैं, सारी बातें उन्होंने आपने देखी सुनी। तो भाई की तरफ से मशवरा तो ये है कि देख समझ कर आएँ, अपनी सारी इंक्वायरी कर कर आएँ, जो भी बात है ऐसे नहीं है कि जैसे कि बस आ गए। अच्छा, ये खाली इंग्लैंड के लिए नहीं है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी जाएँ आपने उसकी इंक्वायरी तो करनी होती है। कि जैसे आपने अगर ऑस्ट्रेलिया भी जाना है तो हम भी अगर घूमने कहीं जाते हैं तो उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ले कर जाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि मैं ये बात कर रहा हूँ प्योर पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से, कि जिन्होंने पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट करनी है और स्टूडेंट ने उस इस चांस को लेना है। तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स तकरीबन अप्रॉक्स ऐसे ही हैं कि उनके व्यूज़ ऐसे ही हैं, तो बहुत देखभाल कर, और बड़ा ही कीमती पैसा है और सबसे कीमती आप खुद हैं और आपका टाइम है, और जिस मोहब्बत से और जो ख्वाब लेकर आप आ रहे हैं वो भी कीमती है, वो भी कीमती है। तो ये सब चीज़ों को देख के एक अच्छा फैसला करें। तो ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेशन कोई भी नहीं है भाई, ज़रूर आएँ और अपने ख्वाब को पूरा करें जितनी अच्छे तरीके से हो सकता है। बस हम सब का ये की है कि वेल इन्फॉर्म हो, वेल प्लान हो, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद किया होगा आपने। तो डॉक्टर साहब को लंदन से दें इजाज़त, आसिम को, ठीक है, फिर इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बता, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स ये बार बार कहना पड़ रहा है तो कर दे। अच्छा, मुझे वैसे अच्छा लगेगा कि ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप कमेंट्स करेंगे, जो बेसिक चीज़ है कि आपकी राय मालूम करना कि कैसा जा रहा है, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।